दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। आज मैं हूँ कनखल में। हरिद्वार का एक सबसे प्राचीन जगह है कनखल, जहाँ पर राजा दक्ष जी का मंदिर है, जिसे दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। तो फिलहाल हमने वीडियो की शुरुआत की है माँ गंगे के दर्शन के साथ। आप लोग यहाँ पर माँ गंगे के दर्शन करें और देखिए गंगा जल की धारा जो है कितनी तेज़ रफ्तार से यहाँ से आगे की ओर बढ़ रही है। ये जो जल यहाँ पर आ रहा है हर की पैड़ी से होते हुए यहाँ पर आता है। तो आप लोग यहाँ दर्शन करें और सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं, यात्रा की जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लगातार दर्शन भी होते हैं, हरिद्वार की सभी अपडेट यहाँ पर दी जाती है। कनखल ये जो जगह है ना, बहुत ही ख़ास है। और ख़ास इस वजह से है क्योंकि माता सती का मायका यही है और माता सती और भोलेनाथ का विवाह यहीं पर हुआ है। और भोलेनाथ जो है, भोलेनाथ की ये ससुराल है और इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे माता सती का जन्म स्थान, जहाँ पर कहते हैं माता सती का जन्म हुआ है। पहले वहाँ के दर्शन कराते हुए राजा दक्ष मंदिर की ओर आपको ले चलेंगे और वहाँ से अच्छे से दर्शन कराएंगे। बहुत ही ख़ास जगह है हरिद्वार की। हम ये भी कह सकते हैं कि हरिद्वार का सबसे प्राचीन स्थान ये है, जब हरिद्वार को मायापुरी के नाम से जाना जाता था। माता सती का देखिए जन्म स्थान है ये, शीतला माता का मंदिर है। पहले आप दर्शन कर लें। ये देखिए, ये है शीतला माता का मंदिर, दर्शन करिए आप लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कनखल तक कैसे पहुंचा जाए। कनखल पहुंचना बहुत ही आसान है। रेलवे स्टेशन से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हर की पैड़ी से भी लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है। आराम से ई रिक्शा के माध्यम से, ऑटो के माध्यम से आप यहां पहुंच सकते हैं। मुश्किल से 20-25 मिनट यहाँ पर लगता है। आराम से आइए और दोनों मंदिर में दर्शन करें, एक शीतला माता मंदिर जहाँ पर माता सती का जन्म स्थान है और एक है राजा दक्ष का मंदिर। अब हम आपको राजा दक्ष मंदिर की ओर ले चलते हैं, जिसे दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। सभी लोग जय गंगे माता लिखते जाइए। अब हमारे जो कदम है धीरे धीरे करके दक्षेश्वर महादेव मंदिर की ओर चल रहे हैं। और सबसे खास और बहुत ही सुंदर सा मंदिर है वो, पास में ही गंगा जल की धारा आपने देखी है। वहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं, फिर वहाँ से जल भर कर लेकर आते हैं, भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। ये देखिए दक्षेश्वर महादेव मंदिर। बस थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करने के साथ शेयर जरूर करते जाएं। आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी दर्शन कर पाएंगे। श्री पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा के अंदर ये मंदिर आता है। और अब हम पहुंच चुके हैं, ये है देखिए दक्ष मंदिर, राजा दक्ष का मंदिर है ये। और यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करके बाहर आते हुए यहाँ पर दक्ष घाट भी है, तो उस तरफ भी हम आपको ले चलेंगे, जहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं, जल लेकर आते हैं। और सोमवार के दिन बहुत भीड़ होती है, और पूरा सावन का महीना जो है ना, यहाँ के लिए सबसे भव्य होता है, क्योंकि कांवड़ यात्री इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आते हैं, जलाभिषेक करते हैं। ये देखिए पूरा मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। कोशिश करते हैं पहले हम राजा दक्ष मंदिर में दक्षेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं, देखते हैं अगर दर्शन करा सके तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर दर्शन मोबाइल फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं। उम्मीद करेंगे आपको अच्छे से दर्शन हो गए होंगे।
उस समय श्रद्धालु नहीं थे, इस वजह से अच्छे से जो गर्भगृह है वहाँ के दर्शन आपने किए हैं, तो सभी लोग लिखेंगे हर हर महादेव और वीडियो को शेयर प्लीज़ ज़रूर करें, सभी लोग शेयर कर दें। मैं आपको जो दक्ष घाट है पास में उस तरफ लेकर चलता हूँ। और ये जो ब्रज आप देख रहे हैं, ये जो पेड़ आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही प्राचीन ब्रज है। और ये है देखिए, जब लाइन लगती है तो सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, कई बार तो घंटों घंटों यहाँ पर लाइन में खड़े रहना पड़ता है। और ये वो जगह है जहाँ से दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की एंट्री होती है। ये जो जगह देख रहे हैं ना, यहाँ से श्रद्धालु प्रवेश करते हैं, फिर अंदर जाकर दर्शन करते हैं। देखिए जा भी रहे हैं यहाँ से, फिर अंदर ही अंदर जाना होता है लगभग 40-50 मीटर, फिर जाके गर्भगृह में लोग पहुँचते हैं। सुबह के समय बहुत भीड़ होती है, ये समय ऐसा होता है कि दोपहर के समय थोड़ा सा यहाँ पर आसानी से दर्शन हो जाते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं दक्ष घाट की ओर। शीतला माता मंदिर के सामने भी गंगा जल की धारा है और यहाँ भी है, सेम धाराएं हैं। यहाँ पर गंगा जी के चरण भी स्थित हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। ये देखिए, देखिए कितनी अच्छी जगह है, बहुत ही शांत जगह है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है सावन को अगर छोड़ दे तो, सावन के महीने में तो बहुत होती है। और सामने इतने पेड़ हैं और सुकून वाली जगह है, यहाँ पर आराम से गंगा मैया में स्नान करें आप लोग, और उसके बाद यहीं से जल भरकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। सभी लोग लिखेंगे हर हर गंगे जय माँ गंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं आप लोग कर दीजिए। अभी हम मंदिर की ओर आपको एक बार फिर से ले चलेंगे और वहाँ पर कुछ और मुख्य मंदिर हैं जहाँ के दर्शन हम आपको कराएंगे। कितना अच्छा लग रहा है इस जगह पर, आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए भी होंगे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए होंगे, स्नान भी किया होगा। कमेंट करके बताइए कौन कौन लोग यहाँ पर आ चुके हैं। मुझे तो ये जगह अच्छी लगती है काफ़ी। दोस्तों यहाँ पर गंगा मैया का एक प्राचीन मंदिर भी है, ये देख सकते हैं, ये गंगा मैया का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, श्री गंगा जी का प्राचीन मंदिर, दर्शन करें आप लोग। दर्शन हो गए ना आपको, ये पेड़ बहुत ही बड़ा है, देखिए आप लोग एक बार और। अगर आपका कोई सवाल है इस जगह के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है, मैं यहाँ की पूरी जानकारी आपको दे दूँगा। अभी कुछ अच्छे दर्शन और आपको कराने वाले हैं। यहाँ पर श्री दस महाविद्या मंदिर भी हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, हनुमान जी का इच्छा प्रद हनुमान जी का मंदिर भी है जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। इस सामने हनुमान जी का एक मंदिर है, उस तरफ ले चलते हैं, इच्छा प्रद हनुमान जी का मंदिर जो सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये जो मंदिर आपको नज़र आ रहे हैं ये श्री दस विद्या मंदिर है, और ये है इच्छा प्रद हनुमान जी का मंदिर। देखिए दर्शन करें आप लोग। ये देखिए, ये है श्री दस विद्या मंदिर, महाविद्या मंदिर। देखिए कितना सुंदर मंदिर है। तो कुल मिलाकर अगर आप यहाँ पर आते हैं तो माताओं के दर्शन होते हैं, अलग अलग माताओं के अलग अलग रूप के दर्शन, और दक्षेश्वर महादेव मंदिर,
बहुत ही सुंदर मंदिर है देखिए। अभी हम एक दृश्य और आपको दिखाएंगे, बहुत ही खास दर्शन अभी बाकी है, शेयर कर दीजिए जब तक। देखिए पूरा मंदिर का व्यू देखिए आप लोग, बहुत ही बड़ा मंदिर है, विशालकाय मंदिर है। यहाँ पर शू स्टैंड है, आराम से यहाँ पर शू जमा करें और लाइन में लग जाएं। अब आप करिए सबसे खास वाले दर्शन, ये देखिए भोलेनाथ के दर्शन। भोलेनाथ के हाथों में माता सती का मृत शरीर है, ये उसी उन्हीं छड़ों को दिखाया गया है यहाँ पर। तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, और जब भी हरिद्वार की यात्रा करें तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, और यहाँ का इतिहास भी हम आपको पढ़ा देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ खास जानकारी और भी देते हैं आपको। ये देखिए यहाँ का इतिहास ये लिखा है, दक्षेश्वर महादेव मंदिर, पूरा इतिहास आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए आप लोग, और यहाँ, हाँ जी हाँ जी। तो आज फिर से एक बार हमें मुकेश हेल्प फैमिली के कुछ सदस्य मिले हैं, तो मैं आपको इनसे मिलाना चाहूँगा। सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकी नरूला है। विकी नरूला जी, हाँ जी। और मैम आपका? लीला नरूला। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आपके चैनल को फॉलो करते करते हम ये बहुत समय हो गया हमें, और आपके चैनल को फॉलो करके हम हरिद्वार में आए हैं। अच्छा, चलिए मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये मंदिर के बारे में कहाँ से पता चला? दक्ष मंदिर जहाँ होटल में ठहरे हुए वहीं उन्होंने हमें सजेस्ट किया था यहाँ आने के लिए। आपने हमारी वीडियो नहीं देखी? हमने बहुत बार देखा है, ये शायद हमने मिस कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ये बहुत ही खास मंदिर है जहाँ पर आप इस समय खड़े हैं, भोलेनाथ की ससुराल के नाम से जाना जाता है। भोलेनाथ का विवाह यहीं पर हुआ है माता सती के साथ। तो और कहाँ कहाँ गए आप? अभी कल हम गए थे ऋषिकेश गए थे। अच्छा, तो कितने दिन आए हुए हो गए आपके? दो दिन हो गए। दो दिन हो गए, और क्या प्लान है आपका? बस अभी हर की पौड़ी जाएंगे और फिर कल वापस चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन जाके आपका वीडियो जरूर देखेंगे ये वाला। अच्छा अच्छा, पूरी हिस्ट्री मिलेगी, बहुत सारी वीडियो बनाई है मैंने आगे। तो बहुत रेगुलरली फॉलो करते हैं। ठीक है, कैसा लगता है, क्या कमी है कोई मेरे चैनल में, कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे? कुछ जो नंबर आपने आश्रम के दिए हैं वो फोन नहीं उठाते, थोड़ा सा अपडेट अगर आप। बात ये है ना कि जैसे मैंने वो वीडियो आज से 3 साल पहले 2 साल पहले बनाई थी, उस समय तो वो चल रहा था, फिर उन्होंने वो नंबर बंद कर दिया। कई बार जब क्राउड ज़्यादा होता है या उनकी बुकिंग हो गई होती है, पूरा लग रहा है उनको 90% बुकिंग हो गई है, तो फिर वो कॉल उठाना ही रिसीव करना ही बंद कर देते हैं, मैक्सिमम यही चांसेस होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट टू योर चैनल। चैनल को अच्छा लगा आपसे मिलकर। हम सजेस्ट करते हैं दूसरों को भी आपको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओके ओके दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं से हम समाप्त करते हैं, ऐसे ही लगातार दर्शन आपको कराते रहेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।